बड़ी खबर गाजियाबाद। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर की संपत्ति हुई कुर्क। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा गैंगस्टर मुनसैद अली उर्फ मोना, जिस पर दिल्ली NCR से लगभग 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, इनमें से ज्यादातर मामले जमीन संबंधित हैं। इस तरह मुनसैद द्वारा धोखाधड़ी करके करोड़ों की संपत्ति खड़ी की गई है और इसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। और इसके पुत्र आदिल उर्फ जूड़ी की गाजियाबाद डासना में करीब 30 से 35 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है और अलीगढ़ में भी काफी अधिक मात्रा में भूमि पाई गई। इन सभी संपत्तियों की पूरी जानकारी माननीय न्यायालय को पेश की गई थी, जिसके बाद न्यायालय से आदेश हुआ था और फिर आज अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई करते हुए थाना मुरादनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मकान को कुर्क कर सील किया है। थाना मसूरी में गैंगस्टर मुनशैद अली उर्फ मोना और उसके पुत्र आदिल उर्फ जुबी के खिलाफ 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मुनशैद अली एक अभ्यस्त अपराधी है, जिसपे दिल्ली एवं गाजियाबाद में लगभग 25 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत हैं। इनमें से ज़्यादातर अभियोग जो हैं वो जमीन संबंधी धोखाधड़ी हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी करके मुनशैद के द्वारा करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई है और इसी के बाद गैंगस्टर अधिनियम के तहत इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी संपत्तियों की जानकारी की गई, जिसमें इसका डासना स्थित मकान और अलीगढ़ में काफ़ी अधिक मात्रा में भूमि पाई गई। इन सभी संपत्तियों के संबंध में जब्तीकरण की रिपोर्ट माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई थी, जिसके बाद उसमें जब्तीकरण का आदेश पारित हुआ था। इसी आदेश के क्रम में उसके डासना स्थित मकान की जब्ती की गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 30-35 लाख है और इसी क्रम में आगे उसकी अलीगढ़ स्थित भूमि की भी जब्ती की जाएगी।